जय हिंद दोस्तों, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। हाल ही में आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को कामयाब करने के लिए हमारे सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पर कैसा कातिलाना हमला किया। उस हमले में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। उसके बाद एक हमारा मेजर, एक बहादुर नौजवान आर्मी वाला शहीद हो गया ईडी ब्लास्ट को निष्क्रिय करते हुए। उसके बाद पाकिस्तानी 3 आतंकवादी छुपे हुए थे कश्मीर में, उनसे लड़ाई लेते हुए, उनसे लोहा लेते हुए हमारे 4 जवान और एक मेजर फिर से शहीद हो गए। यानी कि यह आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच चुका है इन 3 से 4 दिनों के बीच। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कान पर जू तक नहीं रहेगा। भारत ने उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान का यही कहना है कि वो उसके आतंकवादी नहीं है। उनके पास सारे दस्तावेज, सारे हर चीज, उनकी आइडेंटिटीज पाकिस्तान से बिलोंग करती है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे आतंकवादी है ही नहीं। आखिरकार है क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान और सिर्फ कुत्ती सोच है, कुत्ती नस्ल है, उसका नक्शा भी कुत्ते जैसा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा कुछ नहीं, उसी कुत्ती सोच का यह नतीजा है कि पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सोचता आया है और कुछ नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान की जनता भूखी मरती आई है। आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से कर्जे में दबा हुआ है चाइना और अमेरिका के। उसके पास अपनी जनता को देने के लिए ना मेडिकल है, ना अच्छी स्टडी है, और ना ही अच्छा एक मैनेजमेंट जिससे कि वो देश को चला सके। लेकिन उसके पास एक अच्छा मैनेजमेंट है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान में आतंकवाद पनपाने के लिए, जिसमें वो कहीं ना कहीं 100 में से कुछ % कामयाबी हो जाता है। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक कमी है। वो कमी है कि हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत इश्क वाला देश है। हिंदुस्तान को रहम आ जाता है वहां की जनता पर, क्यों हम कुछ चंद लोगों के चक्कर में पूरी जनता का खून बहाएं, क्यों हम पाकिस्तान को बर्बाद करें? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ही बेटा है वो पाकिस्तान, जिससे वो अलग हुआ, और हिंदुस्तान के दिए हुए पानी पे पलता है पाकिस्तान। आपने हाल ही में देखा होगा कि नर्मदा के जल रोक देने पे पाकिस्तान में त्राही माम मचा हुआ था कि वहां की खेती और वहां की आवाम कैसे पानी पिएगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। तो मेरा सवाल था, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा? वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान हमेशा नाकी खाता हुआ है, हमेशा उसे हिंदुस्तान के कदमों पर झुकना पड़ा है, उसे हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदा होना पड़ा है। लेकिन वो ये जानता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कभी खुल के सामने जंग के मैदान में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान है और ये भारत। तो ये तो कभी सपने में हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से खुले में आके लड़ ले। लेकिन वो आतंकवादी है और छिछोरी हरकतों के जरिए हमेशा कुछ ना कुछ ऊटपटांग करते आया है। लेकिन हम आखिरकार कब तक सहते रहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की वजह से कुछ बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिनकी वो कलाइयों पर राखी कभी नहीं बांध पाएगी, वो राखी उनका इंतजार करती रहेगी। कुछ माओ ने अपने बेटों को खोया है, वो अपने बेटों का इंतजार देखती रहेंगी। कुछ पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है, वो इंतजार करती रहेंगी कि वो करवा चौथ का व्रत कब रखे हैं। कुछ बेटों ने अपने बाप को खोया है, वो देखते रहेंगे कि हमारा बाप कब आएगा और कब हमें दुलारेगा, पुचकारेगा। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कब तक करता रहेगा? अब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की एक ही मांग है कि खून के बदले खून। इस बार की होली फूलों से बने गुलाल की नहीं, पाकिस्तान से बने खून की होनी चाहिए। बहुत सहलिया अब नहीं सह सकते, क्योंकि ये हम 1947 से सहते आ रहे हैं। कितनी लड़ाइयां हुई, कितनी जंग हुई, लेकिन पाकिस्तान कभी बाज नहीं आया और ना ही आने वाला। क्या आप जानते हैं, किसी भी इंसान की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी कॉन्टिनेंट की, या पूरी दुनिया की एक सोच होती है, और सोच ही बड़ी होती है। लेकिन पाकिस्तान की एक ही सोच है कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखाए, हिंदुस्तान को बर्बाद करे, जो कि कभी हो नहीं सकता। हालांकि वो छोटे मोटे घाव पाकिस्तान हिंदुस्तान को देता रहता है, और पाकिस्तान की एक ही सोच है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करे, हिंदुस्तान को नीचा दिखाए, हिंदुस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो इसमें थोड़ा बहुत हमें दुख देने में कामयाब जरूर होता है। इसका जवाब हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे यहां के कुछ लोग ही ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट में बोलते हैं, छाती पीटने लगते हैं, विधवा विलाप करने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तान बदल रहा है, यहां के नौजवान, आने वाली पीढ़ी और यहां के नौजवान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को चाहते हैं। और आप जानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के हर नौजवान के हाथ में
एक एक हथियार पकड़ा दिया जाए तो आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान आज नहीं अभी तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि भारत की सरकार अभी देरी कर रही है। क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, या तो ये वही जाने या फिर रक्षा विशेषज्ञ जाने या फिर आर्मी जाने। लेकिन हमारा कहना यही है कि हिंदुस्तान के जो 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं उसका बदला जल्द से जल्द लेना चाहिए, आने वाली होली से पहले। क्योंकि हमारा मानना यही है इस बार की होली फूल से बने गुलाल की नहीं बल्कि पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के खून से होनी चाहिए, पाकिस्तान के उन नापाक इंसानों की खून से होनी चाहिए जो हिंदुस्तान की बर्बादी का सपना देखते हैं। तो मित्रों भाई और बहनों अंतोगत मेरा कहना यही है, कब तक मानवता का हनन होता रहेगा, क्योंकि आग हमारे घर में लगी है, किसी और के घर में नहीं। हमारे भारत का हर नौजवान एक सैनिक है, किसी सैनिक से कम नहीं। आखिर कब तक हम बदला लेने के लिए बैठे रहेंगे, कब तक मोमबत्तियां फूलमालाएं लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान भड़वा है, इस तरह के नारे लगाते रहेंगे। आखिरकार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन ले, हमारी आर्मी उधेड़ दे, भाड़ में जाने दे दुनिया के प्रेशरों को, भाड़ में जाने दे, चूल्हे में जाने दे दुनियादारी की बातों को, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान को तबाह करे। क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान एक नासूर है। नासूर का मतलब समझते हैं, एक कांटा। अगर किसी के पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो उस कांटे को जल्दी से जल्दी निकालना बेहतर होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप उस कांटे को निकालेंगे आप दर्द से निजात पाएंगे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान एक कांटा है, उस कांटे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप इस तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएं, आर्मी वालों का हौसला बढ़ाएं कि जल्दी से जल्दी बिना किसी मान हानि हुए पाकिस्तान की मदर बहने कर दें, बर्बाद कर दें। हमें कुछ और नहीं चाहिए।